हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रदीप वर्मा है। हाँ जी प्रदीप, कहाँ से आए बेटा? सर, मैं आया हूँ यूपी प्रतापगढ़ से। ओके, क्या हो गया था? सर, मुझे पहले समस्या हुई जो है जुलाई 2022 से, मुझे जो है बाथरूम जाता था तो थोड़ा थोड़ा बाथरूम से आने के बाद जो है जलन सी रहती थी। उसके कुछ समय बाद जो है मुझे लैट्रिन के रास्ते के बगल में एक छोटा सा फोड़ा हुआ। उसके बाद वो एक बार ठीक हो जाता, फिर मैं उसको समझ नहीं पाया क्या है ये, थोड़ा समझता था। वो दवा खाने के बाद ठीक हो जाता, फिर उसके बाद फिर उसमें पानी भर जाता या पस आ जाता, तो ऐसे कई महीने तक चलता रहा। मैंने उसको जो है घरेलू डॉक्टर को दिखाया तो वो फोड़ा समझ के उसका इलाज करता रहा। फिर उसके बाद जो है किसी एक दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उसने बताया ये तुम्हारा फोड़ा नहीं है, ये भगंदर है। तो तब मुझे पता चला कि भगंदर जैसी कुछ बीमारी होती है। उसके बाद जो है मैंने उसके बारे में जानकारी जुटाई, फिर खोजना शुरू किया। तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ लोकल को नहीं दिखाया, फिर गया जो है इलाहाबाद गया। इलाहाबाद में दिखाया एक हॉस्पिटल में, तो उसने बोला कि हाँ आपको जो है फेस्टुला है। फिर एक टेस्ट करने के लिए बोला, टेस्ट हुआ मेरा, फेस्टुलोग्राम किया। तो उसके बाद फिर बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ऑपरेशन कराऊँ या ना कराऊँ। फिर मैंने एक महीने तक वेट किया। उसके बाद जो है मैं फिर दोबारा गया उसी हॉस्पिटल में, तो बोला जो है टेस्ट नहीं किया जो है, लेकिन जब वो बोला कि ऑपरेशन कर देंगे, और वहाँ पे जो है एक ट्रैक और बन गया था ऊपर साइड में मेरा, और उससे पता नहीं था, उसने एक ही ट्रैक का जो है ऑपरेशन कर दिया और वो एक ट्रैक जो है बचा था। उसके बाद से जो है मुझे फिर समस्या होने लगी। ऑपरेशन के बाद हो गया, घर आया जो है तो वो जो है मतलब उन्हें तो सही से कुछ बताया कि साफ़ सफाई कैसे करनी है, ड्रेसिंग कैसे करनी है। सबसे बड़ी दिक्कत इसकी थी मुझे, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मुझे पहली बार फेसिंग कर रहा था इस बीमारी को, तो थोड़ा झिझक थी, मतलब कैसे साफ़ सफाई रखूँ, कैसे ड्रेसिंग करूँ, क्या करूँ, सफाई कैसे करना है। तो वो डॉक्टर मुझे सही से बताया नहीं, एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो सर्जरी फेल हो गई। वो जो लेजर सर्जरी किया था वो छेद बंद नहीं हुआ, वो खुल गया फिर से। उसके बाद अब और प्रॉब्लम बढ़ गई, और जो है पहले डिस्चार्ज नहीं आता था, अब आवाज आने लगी लेटरिंग के रास्ते से, और पैन रहने लगा। वो मुझे जो है दवाई देता कि सूख जाएगा, अब ये बंद हो जाएगा, ऐसा ऐसा करते मैं बहुत परेशान हो गया। तो मैं नेट पे सर्च करते करते जो है तो सर्च कर ही रहा था मैं क्या करूँ, इसका इलाज क्या है। कोई लोग बोलते हैं कि कैंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसी बीमारी डरा देते जो है। तो मैं सर्च करते करते नेट पे आया सर, तो आपका नाम आया सबसे पहले। तो आपका जो है इंटरव्यू देखा है यूट्यूब पे, बहुत सारे इंटरव्यू देखे। तो उसके बाद मैं देखता रहा, कम से कम एक महीने तक देखा। तो जब बहुत सारे इंटरव्यू देख लिए तो मुझे विश्वास हुआ कि मैं वहीं ठीक हूँगा, और कहीं मेरा इलाज है हो नहीं सकता। क्योंकि और कहीं बोलता तो बोलते कि भाई क्षार सूत्र करा लो, क्षार सूत्र यहाँ पे हो जाएगा, ये कर देंगे। तो क्षार सूत्र ठीक तो था, लेकिन मतलब कोई उसमें सही से प्रोसेस ना बताते कैसे क्या होगा, कोई ना चेकअप ना कोई जांच, तो बिना एनेस्थीसिया के जो है उसको अंदर से डाल के टाइट करते थे, मुझे वो सही नहीं लगा बिल्कुल। उसके बाद जो है मैं यहाँ आया, तो सबसे पहले सर ने MRI करने के लिए कहा। MRI हुई मेरी, तो जो मुझे डाउट था जो है तो बताए, पहले तो MRI के पहले ही बता दिए थे सर आपने कि जो है एक ट्रैक ऊपर की तरफ है तुम्हारा और एक नीचे की तरफ तो है ही वो। उसके बाद जब दूसरा ट्रैक, फिर जब MRI कराए तो वही रिपोर्ट आई। फिर उसके बाद सर बोले कि 6 सेटिंग लगेगी कम से कम, तो बोला ठीक है भाई 6 सेटिंग लगेगी। 6 सेटिंग कैसे करूँगा? तो 6 सेटिंग से तो सुन के डर गया मैं, कैसे होगी जो है 6 बार ऑपरेशन, क्या करूँगा मैं, कैसे 10 बार भी करना पड़ता, कहीं वो का इतना खराब होता, पूरा परेशान लग जाता। मैं तो सोचा, हाँ मैं तो जानता था वीडियो में हाँ हुई है लोगों की 6 सेटिंग हुई है, 7 सेटिंग हुई है, लेकिन घर वालों को कैसे बताता, क्या करता। तो घर वालों को बताया, फिर ऐसे ऐसे बात है, ऐसे नहीं और कोई चारा नहीं है बीमारी का, 6 सेटिंग मतलब सेटिंग तो लगनी ही है तभी ठीक होगी। घर वाले मान गए, फिर हाँ कराओ इलाज जो है। फिर पहली सेटिंग हुई मेरी, फिर पहली सेटिंग में तो कुछ पता नहीं चला, मतलब सब नॉर्मल था, एकदम बढ़िया सा हो गया। उसके बाद एक महीने बाद मैं आया, दूसरी सेटिंग हुई मेरी, दूसरी सेटिंग में भी कुछ ज़्यादा पता नहीं। दूसरी सेटिंग पहले वाले से एकदम सिंपल थी, नॉर्मल थी, पहली वाले में थोड़ा प्रॉब्लम थी मुझे, थोड़ा दर्द वगैरह था। दूसरी सेटिंग में धागा पड़ा था,
उसके बाद वो धागा निकाल दिया गया तीसरी वाले में। तीसरी वाले के बाद फिर बोले कि एकदम मतलब ठीक हो गया है, अब अगली बार आना तो चेक करके बताएंगे। तो थोड़ा घाव था वो भर गया, फिर हील हो गया, फिर उसके बाद ठीक हो गया, पस वगैरह सब बंद हो गया। तो पस तो दूसरी में ही बंद हो गया था, तीसरी में जो है वो थोड़ा सा आ रहा था, तो वही ठीक हो गया। तो जो बस 5-6 सेटिंग सोच रहे थे वो 3 में ही हो गया पूरा। हाँ, 3 में ही हो गया। लकीली आपकी हीलिंग फास्ट है। मैं तो उसी में था कि कैसे होगा, कितना पैसा लगेगा, काफी लंबा था। वही डर बैठ जाता है मन में, पर यही बात है कि अगर मैं सही नहीं बताऊंगा उस बाद में आपको परेशानी होगी, उससे अच्छा कि पहले ही अपने आप को माइंड मेकअप कर लो। ये लंबी लड़ाई है, जितना जैसे भी लगेगा ठीक होना इम्पोर्टेंट। और अगर मेरे से हो, मेरा बस चले तो मैं सबको एक में ही कर दूँ, पर वो जितना खराब है उसने उतना ही टाइम लेना है। ठीक है, कई बार पेशेंट बोलते हैं कि हम सीधा जल्दी आ गए, शुरू में ही आ गए, हमारा तो कुछ नहीं, पर अगर शुरू में बीमारी बिगड़ गई है तो क्या जी, जी सही है। ठीक है, कहीं किसी की 10-10 साल में भी नहीं बिगड़ती और किसी की शुरुआत में ही इतनी खराब निकलती है। जी, इसमें तो बीमारी ऐसा है बाहर से तो दिखती नहीं है, अंदर से क्या है कुछ पता नहीं चल पाता। बिल्कुल, बाहर से मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि आपको सिर्फ जैसे आइसबर्ग, टिप ऑफ आइसबर्ग होती है, दिखता है छोटा, ऊपर थोड़ा सा दिखता है, अंदर पूरा पहाड़ होता है। बिल्कुल जी, वैसे ही है भाई, अंदर से क्या पता कैसी है, वो बिना जांचे वैसे ही बता। अब आपकी देखो, आपके दोनों तरफ चला गया हुआ था, फिर भी लकीली किस्मत अच्छी है, टिश्यू फटाफट बने आपकी एज के हिसाब से भी। और एक मैंने ये देखा कि जो जितना पॉजिटिव होते हैं वो उतना जल्दी ठीक होते हैं। जी, तो ये पता नहीं क्या धारणा है या सच है, बट मैं ये मान के चलता हूँ कि ये मैंने तो ये देखा है। जी, जितना थोड़ा हो जाता है कि हाँ, आप जो चल रहा है कर रहा हूँ। मुझे तो लगा था मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, मैं आ गया था। मुझे तो लगा था मेरा ख़त्म है काम जो है, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है इस बीमारी से कि वो ठीक नहीं हुए, कई लोगों की डेथ भी हो गई मेरे आस पड़ोस में। तो मैंने तो मैं जब ठीक हुआ मैं बोला भी उनको, जाओ ठीक करा लो, मतलब ऐसा ऐसा उनके बताया भी, कई लोगों को मतलब पॉजिटिव अप्रोच आया भी। कई लोग डर जाते हैं, कई लोग इतने तो डर नहीं सकते, और गाइड करने से ज़्यादा मिस गाइड करने वाले भी बहुत मिलते हैं, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम। मैं ठीक हो गया ऐसे कई लोग आश्चर्यचकित थे, मतलब कैसा हो गया, कहाँ का हॉस्पिटल है, कैसे ठीक हो गए, कैसा क्या हुआ, लोग पूछते थे इसके बारे में कि हम कहे ठीक है, मतलब ऐसे डॉक्टर हैं यहाँ के, मतलब पूरा एड्रेस उनको दिए। ठीक है प्रदीप जी, आपसे कोई बात करना चाहता हो, आपका नंबर शेयर कर पाएंगे? जी बिल्कुल, बता दीजिए। 83-18-34-90-81। ठीक है, देखिए।